फ्रेंड्स, द टेस्ट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। बकरीद आने वाली है और बगैर शीर खुरमा के तो ये त्यौहार एकदम फीका फीका सा लगता है। तो आज इसीलिए मैंने बनाया है शीर खुरमा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजीली बना सकते हैं आप। अगर रेसिपी मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे तरीके से शीर खुरमा बना के मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका ये जो शीर खुरमा है वो कैसे बना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स अगेन। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अभी इसमें उबाल आने देते हैं। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, हम क्या करते हैं, जो मेवे हैं जो शीर खुरमे में डालने वाले हैं उसको हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच घी लिया हुआ है। और इसमें हम डालेंगे, ये देखिए मैंने मेवे लिए हैं, 50 ग्राम काजू है, 50 ग्राम बादाम है, चिरौंजी जो है वो 10 ग्राम है और 10 ही ग्राम मैंने पिस्ता लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से जो आपके मेवे हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट हो जाता है 1 लीटर दूध में। ये गर्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, बस इसका हल्का सा एक क्रंचीनेस आ जाना चाहिए तब तक हमको फ्राई करना है। एक एक करके सब डाल देते हैं। और इसको चलाते हैं अच्छे से धीरे धीरे, हल्का सा इसका कलर चेंज होने देना है बस। जब हम मेवे फ्राई करते हैं तो गैस का फ्लेम जो है उसको लो ही रखिएगा, वरना क्या होगा, ये जलने लग जाएगा। इसीलिए इसको फ्राई करते टाइम जो फ्लेम है उसको लो रखना है आपको। मेवे हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अभी इसको डिश आउट कर देते हैं। सेम पैन है, इसमें घी रह गया था। अब मैंने 50 ग्राम जो है वो सेवई ली हुई है, इसको इसमें डाल देते हैं। शीर खुरमे में सेवई जो होती है बहुत कम यूज़ होती है, इसलिए इतनी सफिशिएंट हो जाएगी। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं सुनहरा होने तक। इसको अच्छे से तोड़ लीजिएगा। सेवई भी हमारी भून गई है बहुत अच्छे से। गैस को कर देते हैं ऑफ और अब चलते हैं, देखते हैं कि दूध हमारा बॉईल हो गया है कि नहीं। ये देखिए दूध में हल्का सा बॉईल आ गया है। बॉईल आ जाए तो इसको आपको एक बार ऐसे चलाना है और इस टाइम पे 5 से 6 छोटी जो हरी इलायची होती है उसको कूट के मैंने इसमें डाल दिया है। इससे खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। अगर इलायची का पाउडर आपको मिलता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको 2 मिनट, और ये जो साइड में ये जो किनारे पे लगा हुआ है ना इसको भी छुड़ा देते हैं, इससे जो दूध है वो अच्छा गाढ़ा हो जाता है। इसको और 1-2 मिनट के लिए पकाते हैं। अब एक बाउल लिया है मैंने और इसमें 3 बड़े चम्मच हमको मिल्क पाउडर लेना है। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर लिया हुआ है और 1/2 जो चम्मच है वो मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है। कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, मैंने वेनिला फ्लेवर लिया है। 1/2 टीस्पून लीजिएगा और इसका एक अच्छा सा हम घोल बनाएंगे, गाढ़ा घोल बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको कंडेंस मिल्क डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो शीर खुरमे का जो टेस्ट है वो बहुत ही बेस्ट आएगा। बस इसको अच्छे से घोल देंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। लास्ट में जब हमारा शीर खुरमा तैयार हो जाएगा तो 5 मिनट पहले हम इसको इसमें मिला देंगे। ये देखिए ये घोल जो है ये ऐसे तैयार हो गया है। दूध हमारा बहुत अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स थे जो हमने फ्राई करके रखे थे उसको ऐड करेंगे। धीरे धीरे ऐड करते हैं और फिर इसको चलाएंगे। एक या 2 मिनट के लिए इसको फिर से पकाते हैं। देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसमें जो हमने सेवई फ्राई करके रखी थी उसको ऐड कर देंगे। और फिर से चलाएंगे एक बार।
अब इसमें ऐड करेंगे हम एक पाव के करीब में चीनी। एक लीटर दूध में हमको एक पाव करीब चीनी ऐड करनी है। अगर मीठा कम खाते हैं तो आप कम ऐड करिए, ज्यादा खाते हैं तो आप, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। अब इसको हम पकाते हैं जब तक कि जो चीनी है वो घुल नहीं जाती है, तब तक इसको हम अच्छे से चलाएंगे और पकाएंगे। शीर खुरमा जो है वो हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमने बनाया था जो मिल्क पाउडर से एक घोल बनाया था उसको ऐड करेंगे धीरे धीरे करके। इससे काफ़ी गाढ़ा भी हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसको डालने के बाद हमको बहुत अच्छे से इसको एक मिनट चलाना है। इसमें खुरमा भी पड़ता है लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे खुरमा पसंद नहीं है। ये चॉइस पूरी आपकी है, जितने ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं, आपके पसंद के जितने ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसको एक दो मिनट के लिए पकाते हैं क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना तो ये गाढ़ा भी हो जाता है। ये देखिए हमारा शीर खुरमा जो है वो बनके हो गया है पूरी तरीके से तैयार। इसको अभी हम गैस बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पतली रखी हुई है। ठंडे होने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस ये शीर खुरमा हमारा बनके तैयार हो गया है।